हेलो एंड वेलकम बैक टू अंधताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेलो एंड वेलकम बैक टू अंधताज किचन। और आज फिर से मैं लेकर आई हूँ चटपट वाली रेसिपी। जी हाँ, मेरी फेवरेट है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस आप कोई भी मनपसंद सब्जियों से बना सकते हैं और एकदम झटपट से बनती है। तो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ ली है वो सब मेरे फ्रिज में जो बची कुची है वो ली है। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, तो ये मैंने एक प्याज लिया है, थोड़ा सा पर्पल कैबेज, बहुत बढ़िया कलर लगता है, थोड़ा सा कैरेट, जस्ट आधी कैरेट ली है मैंने, ये है प्याज, हरी प्याज, कैबेज है, ये रेगुलर हमारा पत्ता गोभी है, और ब्रोकोली जिसे मैंने थोड़ा ब्लांच कर लिया है, राइस वो भी हमारा बचा हुआ राइस है, उसे ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुगर लिया है, सोया सॉस लिया है, ये गार्लिक पाउडर है और चॉप्ड गार्लिक है, तो इसलिए लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा रहेगा इसमें, नमक और पेपर। सो लेट्स बिगिन। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में हमने ले लिया है तेल, ये मैंने आराम से 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए। जैसे ही हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो मैंने 4 से 5 लहसुन को चॉप कर लिया है एकदम बारीक। लहसुन को हम अच्छे से तेल में पकने देंगे ताकि तेल में अच्छे से उसका फ्लेवर भरपूर आए। लहसुन को आधा मिनट पकाएं, यानी 30 सेकेंड्स अच्छे से उसे पकने दें, और फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। ये मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट लिया है। चाइनीज़ फ्राइड राइस या कोई भी चाइनीज़ डिश आप पका रहे हो तो आपकी फ्लेम एकदम हाई हो ताकि उसका सिजलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आए और आपकी जो सब्जियां हैं वो कच्ची पक्की रहे, पूरी तरह से पक ना जाए। इसी में हम डालेंगे गाजर। तो ये जैसे मैंने बताया था आपको, आधा गाजर लिया है और डाइस में कट कर लिया। इसी में हम डालेंगे पत्ता गोभी, तो ये भी मैंने जस्ट 1/4 पत्ता गोभी ली है, उसे भी डाइस में काट लिया है। डालेंगे ब्रोकली, ये मैंने ब्लांच कर लिया था, थोड़ा सा ब्रोकली लिया है और इसके 5-7 फ्लोरेट ब्लांच कर लिए। इसी में हम डालेंगे पत्ता गोभी पर्पल कलर का, सो लुक एट दिस, ऑलरेडी इसका कलर इतना बढ़िया आ रहा है। इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है गार्लिक पाउडर, अच्छे से इसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा चाहिए इस रेसिपी में, इसीलिए मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला गार्लिक के साथ। और अब हम डालेंगे चावल, ये ऑलमोस्ट 2 कप पके हुए चावल है, अच्छे से मिक्स कर लें। चावल जब पकाए थे मैंने तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ था, तो जो हम नमक डालेंगे तो एकदम हल्का, खाली सब्जी के नाप का, स्वाद अनुसार हम डालेंगे थोड़ा सा शक्कर, ये 1 टीस्पून शक्कर ली है मैंने, और डालेंगे सोया सॉस, तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस, अच्छे से मिक्स कर लें। इसका अरोमा भी बहुत बढ़िया आ रहा है, ऑलमोस्ट रेडी। हम इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके डाल लें, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो हल्का सा आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तिखास के लिए, और थोड़ा सा हरा प्याज, एंड दिस इज रेडी रेडी टू सर्व। हमारा झटपट से रेडी हो गया है फ्राइड राइस, और मैंने इसमें चिली सॉस विनेगर नहीं डाला है, वो आप ऊपर से डाल सकते हैं एज यू लाइक, तो इस तरह से यू कैन पुट, और इसे आप सर्व कर सकते हैं या सब लोग अपने अपने प्लेट में डाल के खा सकते हैं। सो मेरा तो डिनर रेडी है, व्हाट अबाउट यू? सो आप भी आपके किचन में जल्दी से ये रेसिपी बनाइए एंड लेट मी नो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम लवली रेसिपी विद अ ट्विस्ट।